अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आशिकुल अब्बासी मुजफ्फर ऑनलाइन अकेडमी में आज हम लखनऊ पैक्ट पढ़ेंगे। लखनऊ पैक्ट बहुत अहम टॉपिक है और ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक बड़ा इवेंट है, स्पेशली इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यूनिटी के हवाले से बहुत बड़ा इवेंट है जो जाना जाता है कि मुस्लिम्स और हिंदूज फॉर द फर्स्ट टाइम in their history during the British Indian period they united for political objectives, common political objectives they. अब इसके बैकग्राउंड के हवाले से कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है। 1913 में मैंने आपको बताया था मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी और उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो कांग्रेस के भी मेम्बर थे, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग ने अपने ऑब्जेक्टिव्स में यानी अपने मकासद में एक चेंज की थी, जो उनका मकसद था। पहला जो पॉइंट था कि हम लॉयल वफादार रहेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम अब जो है वो लॉयलिटी जो है वो हम नहीं शो करेंगे, बल्कि हम अब एक यही चाहेंगे कि हमें इंडिया में इंडियंस को रूल करने दिया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑटोनॉमी या सेल्फ रूल दिया जाए, हमें खुद मुख्तारी दी जाए। इसी तरह जो है जिन्ना जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़ा प्रोपोनेंट था यानी सपोर्टर था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का शुरू से ही, जिस तरह इनके अपने मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो इसी तरह जिन्ना भी जो है वो बड़ा सपोर्टर था। जिन्ना कहता था कि सबसे पहले अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है, अंग्रेज़ों से जो है वो आज़ादी लेनी है या अंग्रेज़ों से कोई पॉलिटिकल बार्गेनिंग करनी है, तो हिंदू और मुसलमान यूनाइट हो जाएं। सो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बड़ा जो है ये क्या कहते हैं ही वॉज प्रोपोनेंट एंड सपोर्टर, बड़ा सपोर्टर था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, ठीक है। उसके अलावा जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गई थी, जून 1914 में शुरू हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है वो इंडियंस को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे, बल्कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना के देंगे, सेल्फ रूल की बात हुई थी और इंडियंस जो है हमें जंग में हमारी सपोर्ट करें, ठीक है, जो जंग हम लड़ने जा रहे हैं उसमें हमारी सपोर्ट करें इंडियंस, तो हम इंडियंस को सेल्फ रूल देंगे, हम इंडियंस को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना के देंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से बना दिया कि द गवर्नमेंट विल बी answerable to Indians, Indians खुद रूल करेंगे और वो answerable भी लोगों को answerable होगी, जिस तरह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है इसी तरह जो है वो एक तरह का जो एक रास सेटअप बना के देंगे। तो ये उसका कुछ बैकग्राउंड है। अब हुआ ये कि जिन्ना ने मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इसके लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, चूँकि जिन्ना जो है वो दोनों पार्टीज के मेम्बर थे, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो 1906 से थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उन्होंने जो है वो 1913 में ज्वाइन की थी, तो दोनों पार्टीज के मेंबर थे और ये प्रोपोनेंट भी थे। और कांग्रेस में उस वक्त कुछ ऐसे लोग भी लाइक गोपाल कृष्ण गोखले, दादा विनोद जी, तो उस वक्त इस तरह के लोग थे जो चाहते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और वहाँ से ये फिर अपनी डिमांड करें अंग्रेज़ों को। इसी तरह जो है दिसंबर 1916 को दोनों पार्टीज़ ने अपने सेपरेट सेशंस किए, लेकिन एक ही वक्त पे किए लखनऊ में, ठीक है। और फिर इसी तरह जो है वो 29 को कांग्रेस ने और 31 को मुस्लिम लीग ने जो है वो उस पैक्ट की एक्सेप्टेंस की थी, उस ड्राफ्ट की एक्सेप्टेंस की थी, जिसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब फीचर्स क्या हैं लखनऊ पैक्ट के? लखनऊ पैक्ट में जो मुस्लिम लीग और इनके बीच में जो तय हुआ था कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कि मुस्लिम लीग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है मुसलमानों की ब्रिटिश इंडिया में, और इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि मुसलमान जो है वो अपने नुमाइंदे सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलहदा जो इलेक्शन वाला निज़ाम है उसके ज़रिए वो इलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है वो ये भी बात तय पाई इन दोनों के बीच में कि मुसलमान जो है वो बंगाल और पंजाब में उनको जो उनकी जो
क्योंकि बंगाल में मुसलमान 54% 55% थे, इसी तरह पंजाब में भी मुसलमान मेजॉरिटी में थे, तो लेकिन उनको जो सीट्स हैं सेंट्रल असेंबली में वो 50% मिलेंगी, यानी जो हिंदूज़ हैं वो ज़्यादा सीट्स उनको मिलेंगी इलेक्शन में, गवर्नमेंट में, सेंट्रल असेंबली में। लेकिन जहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटीज़ में थे, मुसलमान जहाँ पे अक्लियत में थे, तो वहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन डबल की गई थी, लाइक बिहार, मद्रास, उड़ीसा, इनका यूनाइटेड प्रोविंसेस में, यूपी में, ठीक है। तो इसी तरह जो है यहाँ पे इनकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन डबल की गई थी। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ था, ज़ाहिर है बार्गेनिंग थी, गिव एंड टेक था, ज़ाहिर है मुस्लिम लीग ने कुछ कहीं पे बार्गेन करना था, कुछ देना था, इसी तरह कांग्रेस ने कहीं पे कुछ देना था, तो ये एक बार्गेनिंग थी इनके बीच में। तो इसी तरह जो है वो ये भी तय पाया कि कोई भी बिल सेंट्रल लेजिस्लेशन हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेशन हो, तो उधर से अगर किसी भी कम्युनिटी का 3/4 कम्युनिटी के लोग जो है उसको अपोज कर रहे हैं तो वो बिल पास नहीं होगा। उसके अलावा जो है वो ये तय पाया इनके बीच में कि मुसलमानों की जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में या लेजिस्लेचर में 1/3 सीट्स होंगी, ठीक है। तो अगर 10 होंगे तो मिसाल के तौर पे 3 जो है वो मुसलमानों की होंगी, ये इनके बीच में तय पाया। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसकी लखनऊ पैक्ट की? लखनऊ पैक्ट मुसलमानों के लिए, मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी सक्सेस थी, ठीक है। फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम पॉलिटिकल यूनिटी हुई थी इन दोनों के बीच में, यूनाइटेड इंडिया के खुले के भी यूनाइटेड इंडिया, इंडिया को डिवाइड नहीं करना, डिवाइड की कोई बात ही नहीं हो रही थी, बहरहाल तो यूनिटी को बहाल रखने के लिए एक पोलिटिकल पैचअप हुआ था, पोलिटिकल एग्रीमेंट हुआ था फर्स्ट और लास्ट टाइम। इससे पहले और उसके बाद कभी भी जो है वो इन्होंने आपस में इस तरह का एग्रीमेंट नहीं किया अगेंस्ट ब्रिटिश या बरतानिया से हुकूमत लेने के हवाले से, या उनसे ज़्यादा कंसेशंस लेने के हवाले से। जना वाज हेल्ड एज मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर, इसको कहा गया सफ़ीर कहा गया, ये इसको लकब दिया था सिराजुल नायडू ने 1916 में। सिराजुल नायडू जो एक तमिल पोइटिस थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मेंबर भी थी, और इसको नाइटिंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ये जो है वो मुंबई में जना के साथ काम भी करती रही उधर वकालत के दौरान, जब दोनों मुंबई में जब काम करते थे तो वहाँ भी काम करती रही। तो इन्होंने इनको जो है जना को ये दिया था लकब। इसी तरह जो है वो लीडर्स की हम बात करें तो मोहम्मद अली जना जो है वो दोनों के मेंबर थे पार्टीज़ के, और इन्होंने ही मुस्लिम लीग की तरफ से साइन किया था पैक्ट, और बाल गंगाधर तिलक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, और इन्होंने कांग्रेस की तरफ से पैक्ट को साइन किया था। डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये बीजी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या डिमांड्स इन्होंने की थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्होंने कहा कि भाई जो नंबर ऑफ सीट्स हैं काउंसिल्स की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स चाहे वो वायसराय की है या जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी, उनकी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ा दी जाएंगी। गालिबा ने 150 तक कहा था कि इसको बढ़ा दिया जाए। इसी तरह जो है नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स, जो इलेक्टेड सीट्स हैं उनको भी बढ़ा दिया जाए, और उसमें आधे से ज़्यादा इंडियंस होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो है वो, और उसके अलावा ये भी इन्होंने डिमांड की थी कि अगर कोई ला मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स पास करते हैं कोई ला, तो वो ला गवर्नमेंट को किसी भी हाल में एक्सेप्ट करना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फिर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, ये गारंट कहा गया था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं प्रोविंसेस में वो उनकी प्रोटेक्शन का, उनको हिफाजत का जिम्मा जो है वो गवर्नमेंट का है। फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई थी, यानी सेल्फ रूल की बात की गई थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खुद मुख्तियारी की बात की गई थी, ठीक है, प्रोविंसेस में स्पेशली। उसके अलावा जो है वो सेपरेट एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी सेपरेट किया जाए, अलहदा किया जाए, इन दोनों को जो है वो अलहदा किया जाए और इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना चाहिए, ये बात की गई थी। इसी तरह जो है हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो उनको इलेक्ट किया जाए, आधे मेंबर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हैं उनको इलेक्ट किया जाए, और इन्हें उनको इलेक्ट जो है वो 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाए, ठीक है, और वो जो है वो इंडियंस होंगे, ठीक है। तो ये कुछ डिमांड्स इन्होंने जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से की थी। अदरवाइज ये जो टॉपिक है
बहुत डिटेल में जो है इसको हम पढ़ें तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको शॉर्टली मैंने आपको आउटलाइन इनकी बता दी हैं और मेन फीचर्स बता दिए हैं, बैकग्राउंड बता दिए हैं, और मज़ीद इसको पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, यू हैव द प्लेटफॉर्म ओपन ऑन इंटरनेट, और उसके अलावा जो मुझसे भी आप पूछ सकते हैं। सो विद दिस थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।